हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पकनी। पकने की अंग्रेजी कितनी तरह की होती है, पकना। देखिए, सबसे पहले इंसान का पक जाना कि मैं आपसे पक चुका हूँ। जब आप ऊब जाते हैं, किसी से पक जाते हैं, तो उस समय उसकी अंग्रेजी क्या होगी। नेक्स्ट है हमारा घाव पकना, उसकी अंग्रेजी क्या होगी। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, राइट। फल का पकना शायद तो जानते ही होंगे आप। किसी भी चीज़ से पक जाना, ऊब जाना, उसकी अंग्रेजी क्या होती। अनाज पकना की अंग्रेजी क्या होगी। खाना पकना की अंग्रेजी क्या होगी। आधा पकना की अंग्रेजी क्या होगी। और दिमाग का पक जाना यानी विकसित हो जाना, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, पकाने की अंग्रेजी क्या होगी। तो ये सारी मीनिंग्स आज मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वॉच इन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। देखिए, किसी इंसान से ऊब जाना तो सिकिन बोलते हैं, SICKEN, या गेट सिक ऑफ, ऊब जाना। मैं तुमसे ऊब गया हूँ तो आई हैव गॉट सिक ऑफ यू, राइट। अब मैं तुमसे ऊब रहा हूं तो आई एम गेटिंग सिक ऑफ यू नाउ, राइट। नेक्स्ट है हमारा घाव का पकना, सेपरेट, SUPPURATE, सेपरेट माने घाव का पकना। राइट, तो उसकी चोट पक गई है तो हिज इंजरी हैज सेपरेटेड। क्या उसका घाव पक गया है तो हैज हिज वुंड सेपरेटेड। नेक्स्ट है हमारा फल का पकना, राइपेन, राइपेन माने पकना। आम पक गया है तो द मैंगो हैज राइपेंड, RIPENED, राइपेंड। राइप माने पकना, राइपेन माने राइप माने पका। द मैंगो इज राइप, आम पका है, और राइपन मीन पकना, आम पक रहा, तो मैंगो इज राइपनिंग, राइट। लेकिन किसी चीज़ को किसी दूसरी जगह नहीं लगा सकते आप, कि आपने डिक्शनरी देखी और आपने किसी जगह पर पकने की अंग्रेजी किसी जगह लगा दी, बिल्कुल गलत हो जाएगा और लोग हंसेंगे। जैसे घाव पकने को दाल पकने में लगा दिया आपने तो क्या होगा डियर फ्रेंड, लोग मौज लेंगे ना। तो इसलिए किसी भी शब्द को बोलने के लिए उस वर्ड को अच्छी ढंग से जानना ये ज़रूरी है कि कहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका लिटरेरी सही मीनिंग क्या है, राइट। तो नेक्स्ट आ रहा है, अब मैंने बताया किसी भी चीज़ से पकना तो गेट फेड अप विद, राइट। मैं इस कार से पक गया हूँ तो आई हैव गॉट फेड अप विद दिस कार, मैं इस कार से पक गया हूँ या उब गया हूँ। मैं वह इस नौकर से ऊब गई है या पक गई है तो शी हैज गॉट फेड अप विद दिस सर्वेंट, या किसी चीज से पकना। ये दोनों चीजों के लिए आता है, किसी इंसान से पकने के लिए, किसी चीज से पकने के लिए, किसी जानवर को से ऊब जाने के लिए, सारे के लिए गेट फेड अप भी आता है।
राइट ओके। और गेट सिक केवल होता है इंसान के लिए उगना। नेक्स्ट है हमारा अनाज का पकना, राइट या खाना पकना। खाना पकना क्या होता है, कुक, खाना पक रहा है, राइट दाल पक रही है, तो पल्स इज कुकिंग, राइट चावल पक रहे हैं तो द राइस इज कुकिंग, राइट। और आधा पकना तो अंडर कुकिंग, राइस इज अंडर कुकिंग, राइस इज अंडर कुक्ड, यानी चावल आधे पके हैं। पल्स इज अंडर कुक्ड, दाल आधी पकी है, तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, राइट डियर फ्रेंड्स। आई होप इट इज क्लियर। हाँ डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आ रहा है फसल पकना। फसल पकने के लिए क्या होगी, हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट माने फसल का पक जाना या फसल की कटाई करना भी होता है, ओके। नेक्स्ट है दिमाग का पक जाना, यानी दिमाग बालिग हो जाना, उसका दिमाग पक गया है यानी मैच्योर हो गया है, तो ही इज माइंड हैज मैच्योरेटेड, राइट ओके। तो इस टाइप से ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने शॉर्ट में सोचा ये इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स जो कभी आपको कन्फ्यूज कर सकती थी, आई ट्राइड टू मेक इट क्लियर सो दैट यू मे नॉट हैव एनी फ्ला इन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन एज वेल। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। All the best, everybody. Good luck.